नमस्कार किसान भाई एवं बहनों, किसान के द्वारा मात्रा से अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से अनेक बीमारियां से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आते जा रही है, इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए ताकि रासायनिक खाद बहुत कम हो सके और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे और फसल भी अच्छा से अच्छा उपजे। सही बात बोले छथनी, रासायनिक खाद से खराबी छै। रासायनिक खाद से दीदी खेत भी खराब होय छै और स्वास्थ्य भी खराब होय छै। नमस्कार दीदी। नमस्कार भी। दीदी अहाँ कथी दोनों सोच रहा छी, की बात छी, बहुत देर से सोचे छी। भैया इहे खातिर सोचे छी कि जे रासायनिक खाद से खेत खराब भए गेलै, आब कोन खाद ओहिमे डालबै। दीदी सही, हम चिंता के विषय छै कि रासायनिक खाद देला से हमर खेत खराब हो जाए छै। एहि लए कऽ हमरा पास एक उपाय छै कि हम संजीवक खाद तैयार करके रासायनिक खाद के छोड़ सकै छियै और संजीवक खाद तैयार करके हमें खेत में डाल सकै छियै। संजीवक खाद भैया की छियै? संजीवक खाद दीदी जैविक खाद छियै। जैविक खाद डालला से हमर शरीर भी सही रहतै आरो खेत के उर्वरा शक्ति भी बनल रहतै, सब दिन फसल उपजैत रहतै। ठीके छै भैया, ई तऽ बहुत अच्छा बात छै। संजीवक खाद छियै दीदी, खेत घरेक सामान से हम संजीवक खाद तैयार करै छियै। घर के सामान से ई खाद बनेला से पैसा भी बच जाय छै। संजीवक जे बनेबै ओ DAP पोटास और यूरिया काम करै छै, इएह खातिर हम संजीवक बनाए खेत में डालबै। DAP पोटास यूरिया बाजार जे हम आनै छियै ओ संजीवक खाद देबै तऽ पैसा बच जाय। दीदी बाजार में तो नकलियो खाद मिले छै, ओकरा से बचे खातिर हम घरे में खाद तैयार करके अपना खेत में डाल सकै छी। ठीक छै। ठीके छै भैया, ई तो बहुत अच्छा बात छै। संजीवक खाद दीदी बनेबै घरे में, ठीक छै। चलिए भैया चलिए देख ले। संजीवक खाद जे बनबै लए कहै रहियै कोन कोन सामान लगै छै ओ सब जुटेलियै, देखियौ की लगै छै, कए कट्ठामे केतना बनै छै ओ बतबै लेलियै अहाँ। देखियौ दीदी कए कट्ठा खेत छै अहाँ? भैया 10 कट्ठा खेत छै। 10 कट्ठा खेत के लिए कितना सामग्री संजीवक खाद बनेगा वो हम बता रहे हैं दीदी। 30 किलो गोबर लगेगा, 66 लीटर पानी देना है, 3 किलो गौमूत्र देना है, उसके बाद 500 ग्राम शक्कर देना है और 300 ग्राम बेसन देना है। बेसन किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि चना का हो या मटर का, क्या भी बेसन हो या ढैंचा का भी बेसन हो बना के हम उसमें डाल सकते हैं। दीदी की मात्रा बतेलिए से समझ लिए केना केना होते? हाँ भैया समझ लिए। भैया सब चीज जुटा लेलिए की करे के छै एकर बाद? सबसे पहले दीदी हमरा 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा खुने के छै। तीन फीट के लकड़ी भए गेलै, इएह से हमरा चौड़ो करे के छै आ गड्ढो करे के छै। इएह अनुसार दीदी एकरा केना नापै के छै? दीदी 3 फीट चौड़ा भए गेल छै, आब एकरा खुनबै तब 3 फीट गहरा नापि सकै छी खुनलाके बाद। देखियौ दीदी 3 फीट चौड़ा 3 फीट गड्ढा भए गेलै, आब एकरा तनी तनी प्लेन करि दियौ कि अच्छा लगतै। कोई दिक्कत नहीं रहती क्या? पेपर प्लास्टिको बिछबै छै फेरो? अच्छा ठीक छै भैया। दीदी गड्ढा तैयार भए गेलै, आब हम प्लास्टिक हमें बिछेबै।
खातिर भैया प्लास्टिक बिछेबै? दीदी प्लास्टिक इहे खातिर बिछेबै कि पानी जमीन के अंदर नहीं जेतै। लियो भैया प्लास्टिक के लिए बिछबै। बिछायल प्लास्टिक भए गेलै, बढ़िआँ से भए गेलै। आब हम सामान गिरेबै। दीदी तऽ भए गेलै बिछायल, आब हम 30 किलो गोबर अभी डालैक छै। ठीक, 10 लीटर के बाल्टीन छै हमरा, 66 लीटर पानि दैके छै, तऽ 6 बाल्टीन दए देबै, 60 लीटर भए जेतै। ओकर बाद फेर 6 लीटर अलग से दए देबै। दीदी हमें पानी डाले छे, अहाँ जत्ते खर पतवार से निकालियो और गोबर के बढ़िया से मिलियो, ताकि एको गुठली नहीं रहे। समझलिए दीदी? हाँ समझलिए भैया। दीदी अच्छा से मिलेबे, ताकि एको नहीं अंदर में गुठली रहे, एको खर नहीं रहे, सब चुन देख छे बढ़िया। ठीक है, 66 लीटर पानी पूर गेलै आब। ठीक छै दीदी, 3 लीटर गौमूत्र छै, आब हम डाल दियो। ठीक छै भैया। आब हम 500 ग्राम शक्कर मिलबै छै। दीदी गुड़ छियै, आब एकरा अच्छा से मिलबै छै पानी में, तब ओहिमे डालै छै। दीदी ढल्ला छियै, एकरा बढ़िया से फोड़ देबै, तब ओहिमे मिलेबै। अभी मिल गया छे, अकरा हम डाल दियो। ठीक छे भैया। दीदी हम शक्कर मिला दिली, अब हम बेसन मिलवे छे। ठीक छे भैया। दीदी बेसन तो डाल दलिए, अब अकरा मिलियो। मिलियो सर। दीदी तैयार भए गेलै, आब दू डंटा लए कऽ पर दियो, तब जुट के बोरा देबै। आब एकरा बढ़िया झेप देख छै, उघार नहि रहैक चाही। उघार रहतै ने तकर जे गैस बनतै ने भागि जेतै, एहि लए कऽ। संजीवक खाद कते दिन में तैयार है? 15 दिन में तैयार हो जेते, बस पहले 10 दिन में एकदा घड़ी सुई नहीं तकरा मिला दे। ठीक छे भैया। भैया कितना खाद तैयार हमें? 100 लीटर तेल खाद तैयार भ गेले, अकरा 10 कट्ठा में हमें दे देबे, मतलब 10 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से हमें दे देबे एकरा। भैया ये खाद केना गिरेबे खेत में? अब इसको हम 10 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से डालेंगे। भैया खाद केना डाले छै? इसका डालने का तरीका, हम यदि पटाने से पहले डालेंगे तो उसके फसल के जड़ जड़ में डालेंगे, यदि बाद में डालेंगे तो जिस वक्त हम पटाते हैं उसी वक्त जिस होकर पानी जाता है उसी जगह हमको डालना है, ताकि हर गाछ में अपने आप चला जाए। जिनका एक बीघा खेत छै तो केना होत? जकरा एक बीघा खेत छै ने दीदी, ई तऽ हो गेलै 10 कट्ठा के, हमरा करै छै 1 बीघा के, यानी केकरो पास छै 1 बीघा, तू 2 गड्ढा ऐसन ऐसन खुनि के आ ओ सब सामान दए कर बना सकै। ठीक छै भैया। संजीवक खाद के कोन कोन फसल मे डालै छै? संजीवक के हर फसल मे दे सकै छियै, मने उपयोग कर सकै छियै, कोइ भी फसल हो, गेहूँ चाहे मकई चाहे सब्जी हो, सभे मे हम एकरा दे सकै छियै। संजीवक खाद बनबै से मुक्त की बात छै? पहला ई छै कि एहिमे सब चीज समान मात्रा में होइक चाही, एकरा 15 दिन के बाद आ 6 महीना से पहले उपयोग खेत में कर लैक छै, एकरा जूट के बोरा से ही बढ़िया से ढकैक छै।